हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th, चैप्टर 4। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस केमिकल काइनेटिक्स में जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको एक बार रिकैप करवाना चाहूँगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से हमारे पास एक नई टर्म आती है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा एक फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम उसी पे आ रहे हैं अभी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग ये था कि जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उतनी ही ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम अब उसके अदर मतलब डिटेल्स में उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, यहाँ से हम दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन आप 7th चैप्टर प्लस 1 क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, जहाँ से हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कंसिडर कीजिए एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी आपको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर ए इंटू बी टू पावर बी, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट की बात हो रही है, ठीक है, और बी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है रिएक्टेंट बी का, वो स्मॉल बी है, वो हमने पावर में रेज कर दिया। लेकिन एक चीज़ है स्टूडेंट्स, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप कि कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम इसमें, अगर सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है आपके पास, कोई रिएक्शन है 5 मोल्स ऑफ ए आपको बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 5। सपोज कीजिए यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। एक स्टूडेंट है जिसने ए की 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन को शुरू किया, दूसरे ने बी 2 मोलर के साथ शुरू किया, यानी कि दो स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, उन्होंने क्या किया है, जस्ट कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो इस स्टूडेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए टू पावर 5, यानी 5 हो जाएगा 1 टू पावर 5, और दूसरे स्टूडेंट के लिए हो जाएगा 32, यानी कि कंसंट्रेशन को जस्ट डबल करने पर, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन सही है तो कंसंट्रेशन को जस्ट डबल करने पर रेट क्या हो रहा है, 32 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जो फिजिबल नहीं दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है एक्सपेरिमेंटली, जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, पावर रेट जो है वो स्टोइकोमेट्रिक पावर पे ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक पावर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इसी चीज़ को करके देखा जाता है रिएक्शंस को लैब में, और एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को फाउंड किया जाता है कि वो उस पावर के इक्वल हमेशा नहीं होता, कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हमेशा जो रेट का जो चेंज है वो स्टोइकोमेट्रिक पावर के इक्विवेलेंट नहीं होता, स्टोइकोमेट्रिक पावर के इक्वल नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं ये, एक्सपेरिमेंटली जब उसको परफॉर्म किया जाता है, ये तो हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर ए, ये ए वो है जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट था। अगर ये रिएक्शन, ये इक्वेशन सही है, अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन सही है, तो जस्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 32 टाइम्स हो जाना चाहिए उस रिएक्शन के लिए, जो कि एक्सपेरिमेंटली जब आप उसको करेंगे तो वो फिजिबल नहीं लगता है, एक्सपेरिमेंटली करेंगे परफॉर्म करके देखेंगे उसको लैब में तो वो 32 टाइम्स इंक्रीज नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है कि ए की पावर के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें ये पता लगता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब जो
रेट ऑफ ए रिएक्शन है वो जरूरी नहीं है कि पावर में भी ए और बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट के ऊपर ही डिपेंड करे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है, और रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक तो ठीक है कि रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वहाँ पे लॉ ऑफ मास सेक्शन में उसने बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट आएगा पावर में। यहाँ पे ये कह रहा है कि रेज्ड टू सम पावर ऑन विच रिएक्शन रेट एक्चुअली डिपेंड्स। यहाँ पे पावर वो आएगी जिस पे रिएक्शन रेट एक्चुअली डिपेंड करता है, और पावर कहाँ से पता लगेगी कि क्या पावर आएगी, वो एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर पाएंगे हम, वैसे फाइंड आउट नहीं होती है। यानी कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर अल्फा एंड बी टू पावर बीटा। ये ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ही है, ये अल्फा और बीटा जो हैं ये वो पावर्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं जिन पे रिएक्शन रेट एक्चुअली डिपेंड करता है। ये ए और बी के इक्वल हो सकता है, हो और नहीं भी हो। किसी इक्वेशन में हो सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इज इक्वल टू बी हो जाए, और किसी इक्वेशन में हो सकता है कि वो अल्फा और बीटा जो है वो ए और बी के इक्वल ना रहे। तो अल्फा एंड बीटा आर द कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रिएक्शन रेट एक्चुअली डिपेंड्स। और दूसरा जो चीज़ है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर कैलकुलेटेड बाई एक्सपेरिमेंट्स ओनली। इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन था हमारा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर अल्फा एंड बी टू पावर बीटा। अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं, और ए और बी जो थे वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाने के बाद रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर अल्फा एंड बी टू पावर बीटा हो जाएगा। तो के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यहाँ पे ये है तो रिएक्शन रेट ही, लेकिन आगे स्पेसिफिक टर्म लग गया, इसका मतलब है कि इट इज़ द रिएक्शन रेट अंडर स्पेशल कंडीशंस। वो स्पेशल कंडीशन क्या है आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा। रेट और के की वैल्यू इक्वल कब होगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये के है, के स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है। मैंने आपको अभी बताया कि है तो रिएक्शन रेट ही लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस में है। तो ये इक्वल कब हो पाएंगे, जब ए और बी यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वन हो। तो यहाँ मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि ए और बी की कंसंट्रेशन अगर आप वन मोल पर लीटर ले लेते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इक्वल बन जाएगा। और अब यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज़ पे एक चीज़ है, अगला जो अपना टर्म है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ चीज़ मैं आपको दूसरे नोटबुक पे अलग से इस चीज़ को आपका लिटरल मीनिंग, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताने की कोशिश करूँगा कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है, कि सम ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे था ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी, इसका रेट लॉ क्या था, के ए टू पावर वन और बी टू पावर वन। देखिए अगर लॉ ऑफ मास एक्शन सही होता तो यहाँ पे पावर ए और बी आते, ये जो पावर वन और वन आए हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। आगे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं आपको आगे इसी में अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में, कि ये पावर वन या टू या जीरो कहाँ से आते हैं। दस यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है वो वन और वन है, तो टोटल सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। मान लीजिए कोई अनदर रिएक्शन है कि 3A प्लस 2B प्लस 4C आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, और उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन आपको बताई गई है, रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर वन, बी टू पावर टू और सी टू पावर जीरो। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का टोटल सम हो जाएगा, 3 आ रहा है, तो इट इज़ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो ये ऊपर वाली रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर है। इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो ये वाली जो रिएक्शन है ये ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की है। ये जो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होना, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर होना, सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर होना, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक्चुअल में जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन है वो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसी रिएक्शन को हमने क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए फर्स्ट बी सेकंड और सी जीरो। मैंने आपको इसी रिएक्शन के लिए बताया था कि ये जो रिएक्शन थी वो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इनका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग मैं आपको इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल की हेल्प से। ये रिएक्शन थी आपके पास 3A प्लस 2B प्लस 4C विल गिव यू प्रोडक्ट्स। सपोज कीजिए चार अलग अलग स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है,
ये उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। जो पहला स्टूडेंट है उसने तीनों रिएक्टेंट्स को जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली वो 1 मोलर ली थी, और उसने ये फाइंड किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो 2.3, ये मैंने सबके लिए कॉमन लिख रखा है, (10^-4) मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है उसने बी और सी की कंसंट्रेशन को तो सेम लिया एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टूडेंट, लेकिन उसने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो उसने क्या अपना एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या फाइंड किया कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4.6 है। थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, ए और सी को कांस्टेंट रखा है, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो उसका जो इनिशियल रेट आया वो 9.2 × 10^-4 आएगा, इसमें भी आएगा -4। और जो फोर्थ स्टूडेंट था उसने ए और बी की कंसंट्रेशन को क्या रखा, सेम रखा, सी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो ही फाउंड दैट कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जस्ट एज टू फर्स्ट स्टूडेंट है जो 2.3 × 10^-4 था। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट को आप फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज यानी कि जो क्या एक्चुअल में क्या पावर्स आएंगी वो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगेगा, हम हाइपोथेटिकली या अंदाजे से उसका अपनी तरफ से नहीं बता सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके सामने है, ऊपर फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टूडेंट, चार अलग अलग स्टूडेंट्स ने ये रिएक्शंस करवाई और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला। तो कंपेयर करेंगे आप फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को, तो क्या हो रहा है, बी और सी की कंसंट्रेशन तो सेम है, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया। देखिए ए की कंसंट्रेशन को डबल किया यानी कि टू फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया तो रेट भी टू फैक्टर से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें ये देखना है कि कौन से ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन किस ऑर्डर की है, तो हम इनको 2^n इज इक्वल टू, मतलब ये रेट, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन और ये रेट में क्या चेंज आया उसको लिख देते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन मान लीजिए nth पावर में है, 2^n हमें ऑर्डर पता लगाना है ना, कंसंट्रेशन 2^n विद रिस्पेक्ट टू ए हमें निकालना होता है, रेट में क्या चेंज आया उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो जब कंसंट्रेशन को डबल किया था तो रेट भी क्या हो गया था, डबल हो गया था, यानी कि 2^n इज इक्वल टू 2^1, यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमने सिर्फ b और c तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, a के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। जब a को डबल, a की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। आई होप कि आपको वन और थर्ड एग्जांपल अगर हम लेंगे कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कीजिए, अब सेकंड छोड़ दीजिए, इसमें ए और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे थी, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 थी, यहाँ भी 1 है, बी की कंसंट्रेशन को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, रेट क्या हो गया, 4 times हो गया, 2.3 × 4 9.2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, ए और सी को कांस्टेंट रखा, बी की कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाता है तो रेट क्या हो जाता है, 4 times हो जाता है, यानी कि अगर हम इनमें रेट को डबल कर, कंसंट्रेशन को डबल करने में तो रेट के साथ क्या होता है उनको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2^n इज इक्वल टू 4, 2 डबल की है कंसंट्रेशन, n का मतलब nth ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू b, क्योंकि b की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, a और c तो कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे 4 को हम 2^2 लिख सकते हैं और n इज इक्वल टू 2, यानी विद रिस्पेक्ट टू b ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट, इसमें ए और बी को सेम रखा है हमने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी ए की कंसंट्रेशन 1, बी की 1, सेकंड फोर्थ में भी ए की 1, बी की 1, सी की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट क्या मिला आपको, वही 2.3 मिला, सेम रेट रहा, चेंज नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ से देखिए ए और बी को कॉन्स्टेंट रखा आपने, कंसंट्रेशन सी को डबल किया तो रेट सेम रहा, यानी कि रेट किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 फैक्टर से, फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहें कि क्या फ़र्क हुआ है रेट को डबल करने पर, तो 2^n इज इक्वल टू 1, यानी कि 2^n इज इक्वल टू 2^0 लिख सकते हैं हम, ये 1 की 2^0 1 ही होगा ना, यहाँ पे n क्या आ जाएगा, 0, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सी ये रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर की है। तो इस तरीके से कहने का मतलब मैं आपको जस्ट ये कहना चाह रहा था कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन का मतलब ये है कि एक्चुअल में जब हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं या हाफ करते हैं तो रिएक्शन रेट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चेंज होता है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पावर 1 के प्रोपोर्शनल चेंज होता है, या रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं आता, वो ऑर्डर को डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया रेट भी डबल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया तो रेट 4 times हो गया, यानी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ सी को डबल किया तो रेट में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि वो उस पे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। मींस जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू।